हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। दोस्तों खुश आमदीद है, वेलकम है मेरे चैनल पर, जहां मैं आपके लिए बहुत ही इजी और कारामद वीडियो लाता रहता हूं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होता होगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि आप अपनी वीडियो का जो है, जो आपकी अपनी वीडियो या कोई भी वीडियो है उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें वो कैसे करें। जी हाँ, नॉर्मली होता ये है कि आप अपनी फ़ोटोज़ का जो है, पिक्स का जो है, वो बैकग्राउंड चेंज कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसमें कि आप बआसानी जो है अपनी पिक्स का, फ़ोटोज़ का जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि आप अपनी वीडियोस का जो है कैसे चेंज करें। उसके लिए भी कुछ मेरे ख्याल से एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं आता। तो रिज़ल्ट इसलिए परफेक्ट नहीं आता क्योंकि आपकी जो वीडियो है, और जो बड़े बड़े जो है यूट्यूबर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं ग्रीन बैकग्राउंड। जी हाँ, ग्रीन बैकग्राउंड के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आज प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ग्रीन वीडियोस को जो है उसके पीछे बैकग्राउंड जो है चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो नंबर वन कि आपको आपकी वीडियो जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड के पीछे रिकॉर्ड की गई हो, और दूसरा ये एक एप्लीकेशन काइन मास्टर। जी हाँ, काइन मास्टर की वो एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप अपनी वीडियोस को जो है बैकग्राउंड आप आसानी चेंज कर सकते हैं। तो काइन मास्टर एप्लीकेशन, उसका मैं लिंक आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्ले आपके गूगल प्ले स्टोर में भी बआसानी वो मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाली मेरी वीडियो से ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। वीडियो को समझने के लिए इस पर बने रहें लास्ट तक, उसको लास्ट तक देखिएगा। आइए चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ, मानी टेक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन काइन मास्टर की तरफ, जो मैंने ऑलरेडी अपनी जो है मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है। अगर आप सब ने ये इंस्टॉल नहीं की तो इसको आप अपने मोबाइल के जो है प्ले स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, और इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं इस अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ओपन कर लिए, और यहाँ देखिए कि ये डिफरेंट मेरे प्रीवियस जो है ना प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं साइट पर। आप इसको छोड़ दें, और यहाँ पर जो सेंटर में प्लस का निशान नज़र आ रहा है सर्किल में, आप इसको प्रेस कीजिए। तो ये देखिए, डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो आपकी तरफ आ गए वीडियो के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। तो हमने क्या करना है, ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है 9.16, ये सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए, जो हमने सेलेक्ट किया तो ये उसी साइज़ के मुताबिक यहाँ आ चुका है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं राइट के, मीडिया लेयर, ऑडियो और वॉइस, हमने क्या करना है, सबसे पहले मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ देखिए कि बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है टॉप पर, यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ से हमने एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखिए नीचे आ चुका है। हमने इसको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वीडियो है उसका साइज़ कितना है, यानी कितने मिनट की है। तो आपने क्या करना है, इसी ब्लैक जो आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, इसका आपने फिंगर की मदद से ड्रैग करके जब आप उसको राइट साइड पे करते जाएंगे तो ये देखिए सेकंडों में जो है इसके टाइमिंग बढ़ रहे हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल, आपकी वीडियो की लेंथ है 3 या 3 से ज़्यादा, तो आपने 3 मिनट की जो है टाइमिंग सेट कर दी, और इसको हमने क्लिक करके यहाँ इसको ओके कर दिया। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, एक कोई ऐसा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो कि आपको अच्छा लगता है और आप अपनी वीडियो के में उसको लगाना चाहते हैं। जो आपने ग्रीन स्क्रीन पर जो ये वीडियो बनाई है उसको आप अपने ग्रीन, अपना जो स्लाइड है, जो पीछे आपका बैकग्राउंड है, उसको चेंज करना है किसी नए बैकग्राउंड के अंदर। तो या तो वो बैकग्राउंड आपने अपने पर्सनली जो है आपने गूगल से उसको डाउनलोड किए गए हैं, या फिर एप्लीकेशन के होने चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ कि एप्लीकेशन के जो है जो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो की तरह। तो हमें सबसे पहले इस जो ऑप्शन है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसमें लेयर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे। दोबारा से हम बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखिए डिफरेंट
फ्री बैकग्राउंड ये आपको दिए हुए हैं, आप इनमें से भी कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फ्री हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने जो मैंने अपने ज़ाती तौर पर डाउनलोड किए हुए हैं बैकग्राउंड, मैं उनमें जाता हूँ। तो मैं दोबारा लेयर पे जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, तो ये देखिए ये मेरी गैलरी इसने ओपन कर दी। तो जहाँ मैंने वो डाउनलोड किए हैं डेफिनेटली मैं वहीं जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन में जाता हूँ, तो यहाँ मेरे जो चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं ये फ्री हैं, यानी गूगल से फ्री मैंने जो है इसको डाउनलोड किया हुआ है, और इस पर मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन या स्ट्राइक नहीं आ सकता YouTube की तरफ से, क्योंकि ये मैंने फ्री डाउनलोड से उठाए हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे भी बहुत सारे जो है बैकग्राउंड मिल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कोई और अच्छा सा बैकग्राउंड देखने चाहता हूँ तो मैं यहाँ फिर लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, और यहाँ पर और दूसरी जो है मैंने एप्लीकेशन है उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक एप्लीकेशन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई ऐसी मूविंग बैकग्राउंड लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मूविंग बैकग्राउंड लिया और इसको मैंने इस स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से फैला दिया, तो मैं इसको क्लिक करके ओके करता हूँ। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए तो ये मूविंग बैकग्राउंड है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये चलता रहेगा। और मैंने क्या करना है, अब इसके अंदर अपनी वो वीडियो लेकर आनी है जो ग्रीन स्क्रीन पर मैंने बनाई थी। तो मैं दोबारा से लेयर के ऑप्शन पे जाऊंगा, मीडिया के ऑप्शन पे जाऊंगा, और ये देखिए ये एक एप्लीकेशन है, यहाँ मैंने ये ग्रीन वीडियो बनाई हुई है। तो मैं फर्स्ट करें एक में कोई एक वीडियो ले लेता हूँ, तो ये देखिए ये मैंने ले ली, और मैं इसको एरो की मदद से इसको पूरी स्क्रीन पर ले आया, तो बैकग्राउंड छुप गया पीछे। तो अब हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है साइट पर, क्रोमा की। जी हाँ, क्रोमा की पे आपने जब ऑप्शन करेंगे तो इसको हमने इनेबल करना है। देखिए इनेबल का ऑप्शन जो है वो ऑफ हुआ हुआ है, हमने इसको क्लिक करके ये देखिए रेड में चेंज हो गया और ये इनेबल हो गया। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया, पीछे वाला जो मेरा ग्रीन वाला ऑप्शन है वो गायब हो गया, जो मेरा बैकग्राउंड था। तो हम इसको क्लिक करके ओके करेंगे और हम यहाँ इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बैकग्राउंड आपका ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ग्रीन बैकग्राउंड जा चुका है। ये है फायदे ग्रीन स्क्रीन के कि आप इसकी मदद से कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी वीडियो में आप चेंज करना चाहें, लेकिन शर्त यह है कि वो ग्रीन बैकग्राउंड में। तो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूँगा कि ग्रीन जो वीडियो है वो कैसे बनाते हैं, ग्रीन फोटो कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल आपने इसको शेयर करना है, इसको सेव करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसका बाकी हिस्सा काट देना है। जैसे कि मैं ये देखिए मैं इसके सारे हिस्से जो मैं काट रहा हूँ, और जब मैं इसके सारे हिस्से काट देता हूँ तो फिर ये देखिए वीडियो क्लिक करके मैं करता हूँ, तो ये मेरी वीडियो बन गई, और वो भी तकरीबन कोई 57 सेकंड की ये मेरी वीडियो बन चुकी है। हम इसको अगर मैंने सेव करना है तो मैं यहाँ सिंपली ये शेयर के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दूँगा, तो ये जाके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, जिसमें मैंने बहुत ही इजी स्टेप के ज़रिए आपको बताया कि आप अपनी या किसी और की वीडियो का बैकग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड के ज़रिए कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रीन बैकग्राउंड, जिसमें कि आपने या आपकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की है, और दूसरा है काइन मास्टर की एप्लीकेशन। तो वीडियो पसंद आने पर आप काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली आपको इस तरह की ईजी वीडियोज़ ऑटोमेटिकली पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।